हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। जानना चाहूंगी क्या कर रही हैं, कोई शो या कोई प्रोजेक्ट जिसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आप? हाँ, फिलहाल कल मेरा शो है देवघर में। मैं अभी जस्ट आपके इंटरव्यू के बाद निकलने वाली हूँ। कल बासुकीनाथ में मेरा शो है, स्टेज शो। तो अगर वहाँ से मुझे लोग देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग सब कल जरूर आइए मेरे शो में और ढेर सारा इन्जॉय करेंगे हम। अच्छा, ये आमतौर पर जो नाम जोड़ा जाता है, अक्षरा जी और पवन जी की बात नहीं है, दिनेश जी हैं और अमृतपाली जी हैं और खेसारी जी और काजल जी हैं, ये फायदेमंद होता है आपको लगता है करियर के हिसाब से आर्टिस्ट के लिए? क्या बताऊँ यार, मतलब अभी बहुत सी चीज़ें ना बोलना चाहती हूँ पर नहीं बोल पाते, इसलिए क्योंकि चीज़ों की डेप्थ को कोई नहीं समझता, बस सब गाली गलौज और गंदी बातें कमेंट्स में। मैं पब्लिक से भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी पहले उस चीज़ को समझिए कि कौन सही है कौन गलत है, इस बात में कितनी हद तक सच्चाई है, तो फिर आप लोग भी कमेंट्स करिए। बिकॉज क्या, हम चाह के भी सच्चाई नहीं बोल पाते हैं कि मतलब क्या बोलूँ, क्यों दूसरों के पछड़ों में अपना कि हम दामन गंदा करें, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और ये जो जोड़ी जो चल रही है, लोग कहते थे जोड़ियाँ हिट होती है इसके लिए पब्लिक पसंद करती हैं, मैं तो आज के डेट में सुन रही हूँ जितनी फिल्में आ रही हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, जितनी फिल्में आ रही फिर चाहे वो कितने भी बड़े स्टार हो अपने जगह पे, अपने आप को कितना भी बड़ा पिलर मानते हो, सबकी फिल्में आज के डेट में फ्लॉप है। हम तो भाई चलो एल्बम आर्टिस्ट है, हम तो उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करते, सबकी फिल्में फ्लॉप है और हर प्रोड्यूसर आज के डेट में ही बोलता है यार रिकवरी नहीं है, रिकवरी नहीं है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जोड़ियाँ हिट है और जोड़ियों की वजह से ही इंडस्ट्री चल रही है। अच्छा, ये भी जानना चाहूंगा, आपका भी काफी लंबे समय से ताल्लुका था इंडस्ट्री से, जितने भी लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर लें या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लें, कुछ सही लोग रहते हैं कुछ गलत लोग रहते हैं, अनुभव अच्छा बुरा होता है, तो क्या कहना चाहेंगे कि आपका कैसा अनुभव रहा है, और अगर गलत अनुभव रहा है तो आपने कभी आवाज उठाई उसके खिलाफ कुछ चीजें? मैंने जैसा कभी बोला कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम चाह के भी नहीं बोल पाते, हम चाहते हैं बोलना पर नहीं बोल पाते। और हमारी इंडस्ट्री की बेसिकली जहाँ तक बात करूँ तो हमारी इंडस्ट्री मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे गंदी और सबसे कचरा इंडस्ट्री है, वेरी फ्रैंकली बोल रही हूँ मैं। इसलिए विवाद वहाँ भी होते हैं, बॉलीवुड में भी विवाद होता है बड़ा से बड़ा, यहाँ सलमान खान शाहरुख खान थप्पड़ मारने तक का विवाद हुआ लेकिन इतना छींचा लेदर कभी नहीं होता। टॉलीवुड में भी विवाद होते हैं, तेलुगु में तमिल में, लेकिन इतना छींचा लेदर कभी नहीं होता। हमारे यहाँ तो हर महीने कोई नया नया कॉन्सेप्ट आ जाता है यार, नई नई चीज़ें पैदा हो जाती है पता नहीं कहाँ से, सब जो जिसके आज आप घुस घुस के काम कर रहे हो, सारी चीज़ें हो रही है तो कोई नहीं जानता, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो पूरी मीडिया जान जाती है, पूरा पब्लिक जान जाता है, ये गलत है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.